हेलो गाइस, सूरज इज हियर। हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे हम अल्फा चरण निकाल सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पर नए आए हो। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सीखेंगे आज कैसे हम अल्फा चैनल निकाल सकते हैं, जो ब्लैक एंड वाइट में होता है, अल्फा मास्क जिसे हम कहते हैं। बहुत सारे नेम्स हैं इसमें, अल्फा मास्क कह सकते हैं, अल्फा चैनल कह सकते हैं, जो कि ब्लैक एंड वाइट में होता है। जितना पार्ट यूवीज होती है, यूवीज ग्रिड में, उतनी पार्ट वाइट होते हैं, बाकी के अदर पार्ट ब्लैक होते हैं। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। एंड फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कोई एक मॉडल है, ठीक है, इसका अल्फा चैनल हमें निकालना है। ठीक है, अल्फा निकालना है हमें इसका। तो हम इसे ज़ीब्रस में निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, बिना कोई टाइम वेस्ट किए निकालते हैं, जनरेट करते हैं। तो हम ज़ीब्रस ओपन कर लिए। मेरे पास 2019 ज़ीब्रस है। आप कोई भी ज़ीब्रस में यूज़ कर निकाल सकते हो और जनरेट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी ज़ीब्रस में ही आराम से जनरेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। ओके, अब हमें करना क्या, सिंपली इंपोर्ट मैश। ठीक है, टूल मेन्यू में इंपोर्ट, डेस्कटॉप पे हमने रख रखा है मैश नाम का फोल्डर, तो लाइक टेक्सचर मैश। ठीक है, एंड ये हमने इंपोर्ट कर लिया। और मेक श्योर आप जब अल्फा में आप निकाल रहे हो तो आपके मॉडल के यूवीज ओपेंड हों, अनरैप्ड किए हो, ओपन खुले यूवीज खुले हुए हों। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि अल्फा तभी आपको ज़रूरत पड़ती है जब आपके यूवीज खुले होते हैं और आपके पास टेक्सचर होता है, टेक्सचर मैप होता है। ठीक है, कलर मैप या टेक्सचर मैप, डिफ्यूज़ मैप, बहुत तरह के नाम है कलर टेक्सचर मैप को कहते हैं, जैसे लाइक कलर मैप, डिफ्यूज़ मैप, अल्बिडो मैप, काइंड्स ऑफ अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग नेम्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके यूवीज ओपन हैं, अनरैप्ड हैं, यू कैन सी दैट, ये इसके यूवीज हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सिंपल टूल मेन्यू में नीचे यूवी मैप है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना इस चीज़ को कि आपने जो टेक्सचर बनाया है वो कितने रेजोल्यूशन का है। ठीक है, 2K का है, 1K का है, 4K है, 8K है, या 512 पिक्सल वो है, रेजोल्यूशन है, वो देख लेना आप। ठीक है, तो मैं अभी इसका जनरेट करना वाला 4K। ठीक है, आप यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कुछ, जैसे एक है 512 जो कि 0.5K कह सकते हैं इसे, काइंड ऑफ। एंड ये पुराने पहले हम ट्रेडिशनल टेक्सचर्स में यूज़ करते थे, बहुत पहले यूज़ होता था, अभी तो 1K, 2K और 4K। ठीक है, 8K भी कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं है, बट आप इसको फुल कर दोगे तो ये 8K हो जाता है। और एक चीज़ इसमें ना, ये जो रेजोल्यूशंस है, ये रेजोल्यूशंस अच्छी बात है अगर आप याद रख सको तो। ठीक है, तो मैं इसे 4K पे निकाल रहा हूँ, सिंपली क्लिक करो। ठीक है, एंड यूवीज हमने सेट कर लिया। ठीक है, यूवीज मैप हमें कितने रेजोल्यूशन का चाहिए, हमें अल्फा चैनल हमने सेट कर लिया। ठीक है, 4K, बाय द वे समझ लो कि टेक्सचर मैप हमारा या कलर मैप 4K का है, तो ये 4K का हमने सेट कर लिया। ठीक है, यूवी टेक्सचर मैप में जाते हैं, इधर सिंपली क्रिएट में जाते हैं, न्यू फ्रॉम पॉली पेंट। ठीक है, क्लिक किया। इन्होंने ज़ीब्रस ने क्या किया है, इसे एक ब्लैक एंड वाइट में जनरेट किया है मैप को, जो कि मैंने बताया कि ब्लैक एंड वाइट में होता है वो। ठीक है, आप देख सकते हो उसका रेजोल्यूशन यहाँ पे 4096 जो मैंने हमने सेट कर रखा था। ठीक है, सिंपली आप इसको एक्सपोर्ट कर लो यहाँ से। अब एक्सपोर्ट करने का सिंपल तरीका है, आप
क्लोन टेक्सचर करो, ठीक है, लेफ्ट में ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक करो एक्सपोर्ट, एंड आप कुछ भी नाम रख लो, मैंने अल्फा रखा हुआ है, ठीक है, आप किस में निकाल सकते हो, पीएचडी में निकालना पीएचडी में निकाल लो, जेपेक में निकाल लो, पीएनजी, वीएमपी, इन सब फॉर्मेट से कोई भी क्वालिटी रिड्यूस नहीं होगी, ठीक है, जो पिक्सल्स में ब्लैक एंड वाइट जितने हैं उतने होंगे ही, ठीक है, तो मैं जेपेक में निकाल रहा हूँ, सेव कर लिया इसे, 4K यहाँ पे आप देख सकते हो, और मेक श्योर जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ना तो ये चीज़ें देख लेना कि क्रॉप जीरो, क्रॉप लेफ्ट जीरो हो और क्रॉप टॉप भी जीरो हो, और ये जो आपने सेट कर रखा था रेजोल्यूशन और क्वालिटी वो इस तरह से ही हो, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं उस फोल्डर में, तो ये हमारे पास अल्फा मैप आ चुका है, ठीक है, ये है अल्फा चैनल या अल्फा मैप कह सकते हैं। अब आप इससे मास्क कर लो, ठीक है, मास्किंग आप जैसे मर्जी कर लो, जैसे करते हैं हम फोटोशॉप में, नॉर्मल फोटोशॉप में जाते हैं, तो मेरे इस मॉडल का एक टेक्सचर भी है जो कि ये है, ठीक है, मैंने टेक्सचर बनाया हुआ है इसका, बेसिकली ये वर्क सम क्लाइंट के लिए था। तो अब हम क्या करेंगे, सो दोनों को इंपोर्ट कर लिया, और भी तरीके हैं, कई तरह से लोग करते हैं, चैनल्स में जाके करते हैं, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू समथिंग, बट मैं सिंपल तरीके से करना चाहूँगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, पिक टूल ले लो, ठीक है, मूव टूल, एंड ड्रैग करो उस दूसरे लेयर पे, शिफ्ट प्रेस कर लेना जिससे वो सेंटर पे ही हो, भी आप लेयर में देखोगे तो वो फ्लिप है, ठीक है, तो आप इसको फ्लिप कर लो, इमेज वर्टिकली, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे भी कंट्रोल टी प्रेस करो, मीन्स टू से ट्रांसफॉर्म में और फ्लिप, ठीक है, एंड ओके, अब अभी देख सकते हैं वो अपने जगह पे है। तो अब आपको बैकग्राउंड में क्या चाहिए, कितने पिक्सल्स में आपको पैडिंग चाहिए, वो चीज़ें इससे आप आराम से निकाल सकते हो। मैं क्या करता हूँ दिखाता हूँ, पहले तो सिलेक्ट में गया कलर रेंज, ओके, तो इसने वाइट पार्ट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे करेंगे इन्वर्स, ठीक है, अब ये सॉरी पहले ब्लैक पार्ट को किया था, अब ये वाइट पार्ट को इसने सिलेक्ट कर लिया, अब हम चले जाएंगे दूसरे लेयर में, ठीक है, इसे कर दिया मिनिमम हाइट, एंड यू कैन सी दैट कि जितने दूर जितने टेक्सचर हैं यूवीज में जितने दूर ना वो सिलेक्ट हो गया, बाकी पार्ट वो है डिसॉल्व हो रखा है, मतलब लाइक सीमलेस कह सकते हैं, सीम को हटा सकते हैं, तो बाकी आप आगे का प्रोसेस कर सकते हो जैसे मर्जी, आपको कितनी की पैडिंग चाहिए, कितनी पैडिंग मीन्स टू से कि दिस काइंड ऑफ, ये 10 पिक्सल पे पैडिंग की हुई है, तो आपकी मर्जी है कितने आप पैडिंग करना चाहते हो, ओके।